बिहार सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई, कई बार इन्होंने फटकार लगाई है बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट। बालिका मुजफ्फरपुर कांड ये तक कह दिया था कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पूरी तरीके से जो है जंगलवाद। ये मेरा आए दिन बिहार में हम लोगों ने दबा के रखे ना बीजम जी, जो गोपालगंज हथुआ में जो नरसंहार किया उसको देखते हुए हम लोगों ने राज्यपाल से मांग की कि वो हस्तक्षेप करें, और साथ साथ इसमें हम लोगों ने एक और मांग की जो विधायक अमरेंद्र पांडे पप्पू पांडे उसकी जो है गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। अभी हमने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में ये साफ तौर पर मतलब जुलूस निकाला है, 1000 बाइक का जुलूस निकाला गया लॉकडाउन के पीरियड। अमरेंद्र जो है अमरेंद्र पांडे उनके समर्थकों द्वारा हम पूछना चाहते हैं लॉकडाउन का कौन पालन, वो जो भी जुलूस निकाला गया उसमें साफ साफ बताया गया है, आवाज़ें आ रही हैं। कुछ देर में हम सोशल मीडिया पे भी इसको हम अपने अकाउंट से रिलीज करेंगे, और जितने भी आप लोग हैं मीडिया कर्मी उनके भी व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेजें। उसमें साफ साफ दिखाया गया कि किस प्रकार से वो कह रहा है कि अपना गोली से खेलने का काम है, दिन रात हम लोगों का यही काम है। इस तरह की बातें और भी कई चर्चाएं उसमें, तो देखिए जो ये बेचारा पीछे से परेशान है, वो सबसे लास्ट में तो सब मोबाइल तो आगे हो गया है। बस ऐसे ही रहने दीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा। जो हथुआ में जो नरसंहार हुआ जेवी के परिवार की, जिसमें कि 3 लोगों की हत्या हुई, लेकिन साथ साथ वहाँ के विधायक जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जो है अपराधियों का जो है कोई धर्म नहीं होता, उनका अपराधी ही धर्म होता है। एक बार ध्यान से सुनिए, ये जो नरसंहार हुआ, जो जेपी के 3 लोगों की परिवार की हत्या हुई, उसके साथ साथ हम लोगों ने अनिल तिवारी जिनकी हत्या हुई, शंभू मिश्रा और मुंडा तिवारी, ये लोग जो विधायक जिनकी हत्या का जिक्र कर रहे हैं, हमने ये भी कहा है कि इनकी भी हत्या का और जो नरसंहार हुआ है उसका भी CBI जांच होना चाहिए। मतलब कि विधायक भी जिसकी हत्या के बारे में कह रहे हैं, जो जिनका पूरा क्रिमिनल छवि रहा है, वो विधायक जो खुलेआम चैलेंज कर रहा है और जिस हत्या की बात कर रहा है, आखिर जांच कौन करेगा? ये तो फेलियर तो है नीतीश कुमार जी का, जिनके होम डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत आता है। और हम तो कहते हैं कि बीजेपी के परिवार का जो नरसंहार किया गया, CBI जांच हो, जो तिवारी की हत्या हुई उसकी भी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। हम लोगों का मन जो है, हम चाहेंगे जैसा बाबू जी से कि जो और चीज़ें हैं वो एक बार पढ़ करके आप लोगों के सामने, जो राज्यपाल को जो छुट्टी दी, एक एक चीज़ें क्योंकि आ जानी चाहिए आप लोगों के। जदयू का तब कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा, जदयू का कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा। हमने स्पष्टीकरण नहीं आया तो हमको हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? तो पार्टी से निकाल दो स्पष्टीकरण। इतना बड़ा मामला हो गया, मुख्यमंत्री को खुद स्वयं आकर के इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था, बयान देना चाहिए था। अब मुख्यमंत्री तो आप यानी मुख्यमंत्री जानते हैं कि कोई सुशासन है ही नहीं, अब फेस नहीं कर पाते सच्चाई। पप्पू पांडे बोले मार्च कर रही है, सुरक्षा का मामला राष्ट्रीय जनता दल जो है जनता के साथ नहीं होती है, सरकार में है, सरकार का क्या संरक्षण प्राप्त है उन्हें?
अरे भैया हमसे भी हम तो कह रहे हैं 100% या 200% जो है नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशों पर ये सारा कार्रवाई की जा रही है, दीपा पोती की जा रही है। यही काम आज तक आपने देखा है कि जिस पे भी आरोप लगा है उसकी गिरफ्तारी हुई हो, खुद ही खुद आते हैं सरेंडर करके। जब सारा मामला अगर जब सब ठीक कर लेते हैं तो आ जाते हैं पुलिस के सामने औपचारिकता पूरी करने सरेंडर करने। पप्पू आज तक देखे कि पुलिस जो है घसीट करके लाई हो, चाहे बालिका गृह का बात हो, सृजन घोटाले की बात हो, हमको तो नाम नहीं बताना। बिहार जो है देखा है जब से डबल इंजन की सरकार आई, तो हम कब देखेंगे कि भाई पुलिस जो है अपराधी कर रही है। पप्पू बताइए इस राज में कोई सुरक्षित है ना? पुलिस दरोगा का हत्या हो जाता है, एनकाउंटर होता है, दरोगा का एनकाउंटर होता है, डीजीपी खुद कहते कि वो भी खुद सुरक्षित नहीं है। अगर आम जन के तरह वो भी चले तो वो भी सुरक्षित अभियान है। महामहिम को आपने कहा कि गोपालगंज जाने के लिए नीतीश कुमार पर नीतीश कुमार पर ये उठ रहा है कि वो दो महीने सब लोगों के सामने कह दिया कि कल शाम तक गिरफ्तारी नहीं होगी, तो हम लोग अपने सभी विधायकों के साथ जो है गोपालगंज। पप्पू पांडे बोले आप ही के खिलाफ वो मार्च करेंगे। पप्पू पांडे हत्या का नाम बता रहा है, इनके रिश्तेदार है, हम तो बोले उसका भी खिलाफ क्या था? सरकार के खिलाफ करो, बोले कि वो भी नहीं रहा है। आप सरकार में कौन है? तेजस्वी पुलिस किसके कंट्रोल में है? हम पकड़ के लाएंगे अपराधी को, पुलिस पकड़ के। नीतीश अभी नहीं आया है विधानसभा में, पहली बार चार बार बता रहे हैं, ये बात कह रहे हैं अनुभव नहीं है। एक बात याद सबको लेकर क्या करेंगे? हम अपराधी हैं, पहले वो पुलिस पकड़े हैं। सीएम दो महीने से बाहर नहीं निकले, सीएम दो महीने से निकले घर से बाहर। चर्चा के